क्या आप भी चाहते हैं इस तरीके से इस नुस्खे को तैयार करके अपने बालों की लंबाई को बहुत ही तेजी से बढ़ाना, तो इस वीडियो पे दिखाए गए हर एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तेल बना के दिखाने वाला हूँ जिसका अगर आप अपने बालों पे लगातार, जैसे हम तेल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से अगर आप अपने बालों पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की लंबाई बढ़ने लगेगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके झड़ते और टूटते बाल बहुत ही तेजी से रुक जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो पे दिखाए गए हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, आपको इस उसके को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अपने बालों पे इस्तेमाल करना है और किस समय लगाना है, ये सभी चीजें इस नुस्खे में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों टाइम न गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप यहाँ कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करके इस नुस्खे को तैयार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो हम सबसे पहली चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दोस्तों कैस्टर ऑयल। दोस्तों कैस्टर ऑयल हमारे बालों को एक निखार देता है, हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कितना मात्रे में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब चीज आपको पता चल जाएगा, तो देखते रहिए। सो यहां पर हमने एक नया जो है कैस्टर ऑयल का डिब्बा ले लिया है और इसको यहां से पहले खोल लेते हैं और खोलने के बाद आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे अपने बालों के हिसाब से, जितना आप अपने बालों पर इस्तेमाल कर ले। मैं एक लड़के के लिए इसे बना रहा हूँ सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूंगा, ज्यादा यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप एक लड़की हैं तो इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इसको बंद करके हम साइड में रखते हैं और अब बताता हूँ आपको यह दूसरी चीज कौन सी लेनी है। सिर्फ आपको दो चीजें मिलाकर इस नुस्खे को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर जो हम अब दूसरी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दोस्तों लहसुन। दोस्तों लहसुन हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा पोषण देता है, झड़ते टूटते बालों को रोकता है, बालों की लंबाई बढ़ाता है। तो हमने यहाँ पर लहसुन की 4 कलियां ली है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो बता देते हैं किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम एक चक्कू की मदद से इसको छोटा छोटा या कहे छोटा छोटा स्लाइस में से काट लेंगे कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियां ले ली है और इसको लेने के बाद अब हाँ इसको आपको किस तरीके से तैयार करना है ये बता देता हूं। पहले तो इसे अच्छी तरीके से हम यहां इसे मिला लेंगे, देख लो कुछ इस तरीके से। मिलाने के बाद आपको इसे डायरेक्ट अभी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसका इस्तेमाल अभी के अभी नहीं करना है। दोस्तों आपको इस नुस्खे को बनाकर लगभग 14 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। दोस्तों 14 घंटा के बाद जब ये लहसुन इस तेल में मिल जाएगा तब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों इसका कलर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये जिस तरीके से गाढ़ा है और थोड़ा गाढ़ा ये कैस्टर ऑयल हो जाएगा क्योंकि ये पहले से गाढ़ा होता है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाना है। आप बनाकर जब बनाकर देखेंगे 14 घंटे के बाद तो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका होगा और आपके बालों पे लगने के लिए एकदम तैयार होगा। तो बता दूं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, जब आप नहा के सुबह आते हैं और नहा के आने के बाद जैसे आप अपने बालों पर तेल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डेली रात को बना के आप इस नुस्खे को तैयार कर सकते हो 14 घंटे के अंदर, फिर से आपको ये बनकर तैयार हो जाएगा। या फिर आप इसी पे अच्छी तरीके से लहसुन की कलियां डालना, थोड़े आपको छोटे छोटे स्लाइस में काट के इसमें आपको डाल देना है और आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, बाल जो टूट रहे हैं झड़ रहे हैं वो भी बहुत ही तेजी से खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना क्योंकि आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मैंने यहां पर गारंटी दी आपको। तो आपको ये कैसा लगा नुस्खा कमेंट करके बताएं, ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।